हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक फ्लो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइबर्स के बारे में। अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर क्या है? एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है जिससे कि कपड़ों को बनाया जाता है। फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स। फैब्रिक क्या है? एक तरीके से कपड़े ही हैं। फैब्रिक जो होता है वो किससे बनाया जाता है? वीविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, व्याम या फाइबर। द क्लोथ विच वी आर मेड फैब्रिक्स, वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से। तो फैब्रिक को हम किस ग्रुप, कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? दो ग्रुप में। एक क्या है? नेचुरल फैब्रिक और दूसरा क्या है? सिंथेटिक फैब्रिक। हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फैब्रिक को। द फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। वो फैब्रिक जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा वो क्या होगा? नेचुरल फैब्रिक। कौन कौन से रहेंगे इसके एग्जाम्पल? कॉटन, फ्लैक्स, जूट, वूल, सिल्क, ये सब क्या है? नेचुरल फैब्रिक्स हैं। कॉटन, फ्लैक्स और जूट जो फैब्रिक्स होते हैं ये हमें किससे मिलेंगे? प्लांट से। जबकि वूल और सिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से। सेकंड है आपका सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक आर मेड बाय ह्यूमन बींग। इसके एग्जांपल के क्या रहेंगे? रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब फैब्रिक को डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे, पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड क्या होंगे? आपस में ज्वाइन करके पॉलीमर फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? मोनोमर। तो मोनोमर क्या हुआ? मोनोमर विज मेक अ पॉलीमर मे बी ऑफ सेम कंपाउंड और टू डिफरेंट कंपाउंड। वो सेम कंपाउंड का भी हो सकता है मोनोमर, या डिफरेंट दो अलग अलग कंपाउंड्स का भी हो सकता है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हुई? या पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड का मोनोमर। अब पॉलीमर है वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। कॉटन, वूल, सिल्क जो होंगे वो नेचुरल पॉलीमर होंगे। जबकि क्यों? क्योंकि कॉटन फाइबर जो होगा वो नेचुरल पॉलीमर कहलाता है, जिस नेचुरल पॉलीमर से बना होता है वो क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज इज अ पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल या स्मॉल ग्लूकोज यूनिट का, जो कि आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक मोनोमर बनाती हैं। सो द वॉल ऑफ ऑल प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। वुड जो होगी उसमें क्या रहेगा? एक विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलोज पॉलीमर। थर्ड, द पॉलीमर ऑकर इन नेचर आर, पॉलीमर जो है वो नेचर्स में भी मिलेंगे। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कहते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब क्या है? ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं। नायलॉन जो होता है वो किससे बनता है? नायलॉन पॉलीमर जो है वो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बनता है या मोनोमर से बनता है, दैट आर कम्बाइंड ऑल्टरनेटली टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंथेटिक फाइबर को। द मैनमेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? वो मैनमेड फाइबर जो कि प्रोड्यूस होंगे केमिकल सब्सटेंस से, वो क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज में मेड किए बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो अ सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। हर स्मॉल यूनिट जो होगी केमिकल कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी, वो क्या होगी? मैनी मैनी सच स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ वन लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ये जो है ये मैनमेड पॉलीमर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की एक और डेफिनेशन क्या रहेगी? अ सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर मेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोमर, समटाइम टू मोनोमर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग बिग चेन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो चार मेजर ग्रुप में डिवाइड होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर में डिस्कस करते हैं रेयन को। रेयन इज एन यूजुअली ऑफन रिगार्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन इज मेड अप ऑफ फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प।
सो हम कह सकते हैं कि रेयॉन इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प विच कंटेन सेलुलोज। तो रेयॉन बनेगा कैसे, द वुड पल्प जो होगा उसको एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके अंदर डिजॉल्व करके रख दिया जाएगा टू फॉर्म अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कोस। अब ये जो विस्कोस होगा इसे फोर्सली पास किया जाएगा टाइनी होल से एक मेटल सिलेंडर के या स्पिंटर के इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन द सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयॉन इज फॉर्म। विस्कोस जो होगा उसे एक बहुत ही फोर्सफुल तरीके से पास किया जाएगा टाइनी होल्स होता है टाइनी होल्स के एक मेटल सिलेंडर से इस कौन से सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के, जहाँ पर सिल्क लाइक थ्रेड जो हो गए रेयॉन्स के वो फॉर्म होंगे। अब रेयॉन जो है वो मेड बनता है नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर या सेलुलोज जो कि वुड पल्प के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए रेयॉन जो है वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी नहीं है और फुल्ली नेचुरल फाइबर भी नहीं है, ये क्या है एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम टू डी सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल कॉल्ड वुड पल्प। रेयॉन हालांकि ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वुड पल्प जिसे हम कहते हैं उससे, लेकिन उसके बावजूद ये मैनमेड फाइबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम किससे बनाते हैं, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज। रेयॉन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट इट हैज़ अ शाइन लाइक सिल्क। तो रेयॉन जो होगा वो रिजेंबल करेगा सिल्क इन अपेयरेंस, देयरफॉर रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। करते हैं यूजेज ऑफ रेयॉन की। फर्स्ट यूज है रेयॉन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ लाइक सारीज ब्लाउज ड्रेस सॉक्स एक्सेट्रा। सेकंड, रेयॉन जिसे हम मिक्स कॉटन भी कहते हैं इज यूज फॉर मेकिंग फर्निशिंग एज बेडशीट कर्टन ब्लैंकेट एक्सेट्रा। थर्ड, रेयॉन जिस जो कि मिक्सड वूल में आता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स। रेयॉन इज यूज फॉर यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। फिफ्थ है, रेयॉन इज यूज इन टायर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड। सिंथेटिक फाइबर एंड नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनफैक्ट नायलॉन वो पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है मैनमेड फाइबर जिसे कि बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया जाता है। नायलॉन सबसे पहले बनाया गया था 1931 में। द केमिकल कंपाउंड और मोनोमर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग नायलॉन इज़ नाउ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। एक्चुअली नायलॉन जो है वो बनता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एमाइड। तो नायलॉन क्या है, एक पॉलीएमाइड या एक पॉलीमर है। द नेम नायलॉन जो इसको दिया गया है वो सबसे पहले कहाँ से डेवलप हुआ, न्यूयॉर्क के एनवाई से और लंदन के एलओएन से। नायलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। मोल्टन नायलॉन इज फोर्स थ्रू अ टाइनी होल्स इन अ स्पिनर टू मेक अ नायलॉन फाइबर या नायलॉन थ्रेड और कास्ट इनटू अ डिजायर्ड शेप। नायलॉन की कई तरीके की खास प्रॉपर्टीज़ भी हैं। नायलॉन फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग फेरी इलास्टिक लाइटवेट और लस्ट्रस होता है। नायलॉन फाइबर जो होता है वो काफ़ी कम पानी एब्जॉर्ब करता है जिससे कि नायलॉन के जो कपड़े होते हैं बहुत ईजिली वॉश और ड्राई हो जाते हैं। नायलॉन जो है वो रिंकल रेजिस्टेंस होता है। नायलॉन फाइबर के अंदर एक हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल या लॉन्ग लास्टिंग होता है। नायलॉन पे किसी तरह के कीड़े मकोड़े या ऑर्डिनरी केमिकल का कोई असर नहीं होता है। इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण नायलॉन फाइबर जो होते हैं वो क्लोथ्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बात करते हैं यूजेस ऑफ नायलॉन की। फर्स्ट यूज है नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल लाइक साड़ी शर्ट नेकटाई टाई सॉक्स एंड अदर गारमेंट। सेकंड, नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्टन स्लीपिंग बैग्स और टेंट वगैरह। थर्ड है, नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप कार सीट बेल्ट फिनिशिंग नेट फिशिंग नेट टायर कॉर्ड स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रिस्टल्स फॉर टूथब्रश एंड पेंट ब्रश। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग पंचर्स एंड रोप फॉर रॉकिंग क्लाइंबिंग। ये सब चीज़ें किसके लिए, क्यों नायलॉन की प्रॉपर्टी में आती है, क्योंकि नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर, ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर ये सब प्रॉपर्टीज़ हम इन सब चीज़ों में नायलॉन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली अ नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर ऑफ सिमिलर थिकनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी है नायलॉन की, नायलॉन इज यूज एज अ प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स।
सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. एक्चुअली पॉलिएस्टर इज जनरली नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन मैनी ईस्टर ग्रुप. तो पॉलिएस्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉली प्लस ईस्टर विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. तो हम कह सकते हैं दैट पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर इन विच अ पॉलीमर यूनिट आर लिंक बाई ईस्टर ग्रुप. टेरेलिन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर है. द केमिकल कंपाउंड यूज इन मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. नायलॉन की तरह पॉलिएस्टर भी इज ऑल्सो यूज एज थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर. व्हेन मोल्डेड पॉलिएस्टर इज फोर्स्ड थ्रू अ टाइनी होल ऑफ अ स्पिंडरेट अ टाइनी थिन पॉलिएस्टर फाइबर आर फॉर्म. तो पॉलिएस्टर यार जो पॉलिएस्टर यार है वो किस में यूज़ किया जाएगा? इनको वन टू फॉर मेकिंग फैब्रिक. पॉलिएस्टर फाइबर की भी नायलॉन की तरह कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी सिमिलर होती है नायलॉन के. द पॉलिएस्टर फाइबर इज हाउएवर स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन फाइबर. पॉलिएस्टर फाइबर आल्सो सॉफ्टर देन नायलॉन सिंस पॉलिएस्टर फैब्रिक इज स्ट्रॉन्गर रिंकल रेजिस्टेंट इजी टू वॉश एंड ड्राई नॉट अटैक्ड बाय मॉथ एंड ऑर्डनरी केमिकल एंड हैज अ हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट. इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल. बात करते हैं यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर. फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पॉलिएस्टर इज इन मेकिंग फैब्रिक ऑफ सारीज ड्रेस मटीरियल्स एंड कर्टन्स. पॉलिएस्टर मिक्स विद कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग टी शर्ट ट्राउजर एंड अदर ड्रेसेस. पॉलिएस्टर मिक्स विद वुलन इज फॉर मेकिंग सूट. सेकेंड इज पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ सेल बोट्स. द पॉलिएस्टर सेल्स आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड डो नॉट स्क्रैच एंड डो नॉट रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. थर्ड इज द पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग वाटर हाउस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन. फोर्थ है पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट. अभी तक के डिस्कशन से हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन. सिंथेटिक फाइबर लाइट वेट होते हैं, लॉन्ग इलास्टिक होते हैं और एक्सट्रीमली फाइन होते हैं. दे आर रिंकल रेजिस्टेंट केमिकली अनरिएक्टिव एंड नॉट अटैक्ड बाय मॉथ और कॉमन केमिकल. इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण सिंथेटिक फाइबर आर मच मोर सुपीरियर देन नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन वूल एंड सिल्क. अब है पेट. पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. पेट को हम कैसे एब्रिविएशन में लाएंगे? पेट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉल्ड पॉली इथाइलिन टेरेप्थाइलेट. पेट एज अ प्लास्टिक वेरी लाइट वेट होता है. इट इज़ अ नेचुरली कलरलेस विद अ हाई ट्रांसपेरेंसी. पेट इज स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एज अ प्लास्टिक. पेट इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास. अनलाइक ग्लास पैड जो होगा वो शटर प्रूफ होगा. पैड इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल जार यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. इनके एग्जाम्पल हैं पैड बॉटल्स आर यूज फॉर फ्रिजी ड्रिंक एंड पैड जार आर यूज फॉर स्टोरिंग शुगर सॉल्ट स्पाइसेस एंड राइस एक्सेट्रा इन आर होम. ऑल्सो पैड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट. सो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर फाइबर्स एंड पैड बॉटल्स एंड जार्स आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल. अब बात करते हैं एक्रेलिक की. एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर. एक्रेलिक इज मेड फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड एक्रोलायोनाइट्राइल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. एक्रेलिक क्या है? लाइट वेट है, सॉफ्ट है एंड वॉर्म विद वूल लाइक फीलिंग. एक्रेलिक जो है रिटेन इट शेप रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल. इट कैन बी डाई एज वेरी वेल. एक्रेलिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. एक्रेलिक एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. सो वो काफ़ी ड्राई बहुत ही क्विक ड्राई क्वालिटी के साथ में एक्रेलिक फाइबर आता है. एक्रेलिक फाइबर आर रेजिस्टेंट टू मोथ एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल. इसके वूल लाइक फीलिंग के कारण ही एक्रेलिक फाइबर को है वो ऑफ्टन यूज़ किया जाता है. सब्स्टिट्यूट माना जाता है वूल का. अब वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. एक्रेलिक जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट देता है नेचुरल वूल का. सो जो हम सर्दियों में कई तरीके के स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं वो किसके लिए? वो किस एक्चुअली नेचुरल वूल के ना बनकर किसके बने होते हैं? एक्रेलिक फाइबर के. ये जो एक्रेलिक फाइबर होता है रिलेटिवली चीपर होता है बट मोर ड्यूरेबल दैन दोज प्रोडक्ट विच आर मेड अप फ्रॉम नेचुरल वूल.
डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर जो है वो कॉटन वूल और सिल्क को क्या है, लो इन स्ट्रेंथ। सेकंड क्या है, सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। सिंथेटिक फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन या वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस जो क्लोथ जो बनता है सिंथेटिक फाइबर के वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन वूल सिल्क हैव लो एब्रेशन रेजिस्टेंस, इसकी वजह से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं नेचुरल फाइबर से वो लेस ड्यूरेबल होते हैं एंड दे आर नॉट लास्ट लॉन्ग। थर्ड है सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफ़ी कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है वो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं या क्लोथ जो उनसे बने हुए होते हैं वो काफ़ी जल्दी सूखते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर जो कॉटन वूल और सिल्क है वो काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं जिसलिए और उनको सूखने में जो भी कपड़े नेचुरल फाइबर से बने होते हैं उनको काफ़ी वक्त लगता है। फोर्थ है सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल रेजिस्टेंट। इस प्रॉपर्टी के कारण जो फाइबर्स जो क्लोथ्स सिंथेटिक फाइबर से बने होंगे वो इतनी जल्दी उनकी ना तो क्रीज ख़राब होती है ड्यूरिंग वॉशिंग एंड वेयर में और वो बिल्कुल एक जैसे परमानेंट जैसे वो हैं वैसे ही दिखते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कि कॉटन वूल और सिल्क से बने हुए वो रिंकल रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। सो द क्लॉथ मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर गेट क्रम्बल ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग एंड वेयरिंग। फिफ्थ प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर के दे आर क्वाइट लाइट वेट। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर है वो कंपेरेटिवली हैवी होंगे। सिक्स है सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन। वो फैब्रिक सो द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्मूथ एंड टेक्सचर, जबकि जो नेचुरल फाइबर होता है वो पूरी तरीके से उतना फाइन नहीं होता है। ड्यू टू दिस द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर आर डू नॉट हैव वेरी स्मूथ इन टेक्सचर। सेवेंथ है सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक बाय मॉथ। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स है वो डैमेज किए जाते हैं कीड़े मकोड़ों से कई बार। एट्थ प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर डू नॉट श्रिंक। सो द क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर रिटेन देयर ओरिजिनल साइज इवन आफ्टर वॉशिंग। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं आफ्टर वॉशिंग। नाइन्थ प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। टेंथ प्रॉपर्टी है द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू मेंटेन एज कम्पेयर फॉर दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं। सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज पहला क्या है, सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे आर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इस कारण जो है सिंथेटिक क्लोथ जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर का है उन्हें हम किचन का काम करते वक्त साइंस लेबॉरेटरी का काम करते वक्त नहीं पहनते हैं। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं हीट आग के दौरान या हीटिंग के दौरान, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं वाइल वर्किंग इन किचन एंड साइंस लेबॉरेटरी। दूसरा डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर का क्या है, द सिंथेटिक फाइबर इज क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर नॉट सूटेबल फॉर वेयरिंग ड्यूरिंग समर वेदर। क्यों, इसका भी एक कारण है, सिंथेटिक फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन सो द क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर उनके बीच में सफिशिएंट पोर्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से पसीना जो है वो बाहर निकल के इवेपोरेट हो सके और बॉडी कूल डाउन हो सके। ड्यू टू दिस द क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड अस फील हॉट एंड अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर। इसी वजह से जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं नेचुरल फाइबर के बने हुए या कॉटन फाइबर के बने हुए वो ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर लार्जर पोर होते हैं जिससे कि पसीना बॉडी से बाहर निकल जाता है और बॉडी कूल डाउन बहुत इजीली और जल्दी हो जाती है। हम बात करते हैं प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्ड सेट इनटू अ डिजायर्ड शेप एंड सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक जो है वो भी पॉलीमर है। इसका मतलब ये हुआ द प्लास्टिक कंटेन ऑफ अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल टुगेदर। स्टार्टिंग मटेरियल जो है प्लास्टिक का वो किससे बना हुआ होगा, वो हमें कहाँ से मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जिसे हम क्या कहेंगे पेट्रोकेमिकल। इसके कुछ एग्जाम्पल प्लास्टिक के क्या है, पॉलीथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कहते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। नायलॉन जो है वो भी एक तरीके से प्लास्टिक ही होता है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा बहुत इन प्लास्टिक के जितने एग्जांपल अभी हमने आपको बताया इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत समझने की आगे नेक्स्ट में कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉली प्लस इथीन इज इक्वल टू पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसे हम क्या कहेंगे, इथेन। पॉलीथीन जो है वो टफ और ड्यूरेबल होती है। पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग पॉली बैग्स, जिसे हम प्लास्टिक बैग कहते हैं, वाटर प्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल, बकेट, डस्टबिन एक्सेट्रा। पॉलीथीन इज ऑल्सो यूज फॉर पैकेजिंग। सेकेंड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम कॉमनली कहते हैं PVC। ये एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक होता है। इट इज़ नॉट एज फ्लैक्सीबल एज पॉलीथीन। PVC जो होगा वो किस यूज़ में आएगा, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, पाइप, गार्डन हाउस जो होते हैं, रेनकोट है, सीट कवर है एक्सेट्रा, इनके लिए। बेकेलाइट। बेकेलाइट इज़ अ हार्ड एंड टफ प्लास्टिक। बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल, जैसे कि फ्राई पैन हो गया, प्रेशर कुकर के हैंडल वगैरह हो गए, इनको। बेकेलाइट क्या होगा, यूजुअली कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल को बनाने में यूज़ किया जाता है, जस्ट बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट डज़ नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड। तो ये क्या, इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विचेज, प्लग, सॉकेट एक्सेट्रा। बेकेलाइट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक स्विचेज, प्लग, सॉकेट एक्सेट्रा। क्यों, क्योंकि इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डज़ नॉट बिकम सॉफ्टर ऑन गेटिंग हीटेड। फोर्थ है मेलामाइन। मेलामाइन इज अ प्लास्टिक विच कैन टॉलरेट हीट बेटर दैन अदर प्लास्टिक एंड रेजिस्ट फायर। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, अनब्रेकेबल किचन वेयर, जिसमें कप प्लेट वगैरह आती हैं, एस्ट्रे है, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, वो सब। मेलामाइन इज अ फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। तो जो फायरमैन वगैरह का जो यूनिफॉर्म होता है, जो कोटिंग होती है उसके ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, वो किसकी की जाती है, मेलामाइन प्लास्टिक की। सो टू बिकम अ फायर रेजिस्टेंट स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर मेड अप ऑफ मेलामाइन इज यूज फॉर यूजिंग माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन में हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मेलामाइन प्लास्टिक वेसल जो होता है उनको कोई नुकसान उससे नहीं होता है। आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल और वाटर जो है वो स्टिक नहीं करता है। ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन प्लास्टिक बिकॉज उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है। टेफ्लॉन ऑल्सो विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। टेफ्लॉन इज यूज फॉर गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर लाइक नॉन स्टिक फ्राई पैंस, नॉन स्टिक कुकर्स एक्सेट्रा। टेफ्लॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल ऑफ इलेक्ट्रिक आयन। बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक की, जिसमें सबसे पहला आता है थर्मो प्लास्टिक। सम प्लास्टिक गेट सॉफ्टन ऑन मेल्ट व्हेन हीटेड एंड हार्ड अगेन व्हेन दे आर कूल डाउन। इस तरह के प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाए और फिर वापस ठंडा होने पर हार्ड हो जाए अगेन एंड अगेन, वो क्या कहलाएंगे, थर्मो प्लास्टिक। अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड थर्मो प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर फ्लेक्सिबल सो दे कैन बेंड वेरी इजिली विदाउट ब्रेकिंग। थर्मोप्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, PVC। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, केबल, वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेंट, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक जार्स एक्सेट्रा, कॉम्बोज टॉय, प्लास्टिक बैग, रेनकोट, सीट कवर, और आपके ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश के, वो पैकिंग मटेरियल, चेयर, ये सब क्या है, थर्मो प्लास्टिक से बने हुए। थर्मो प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज दे आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर फ्लेक्सिबल। आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देर आर सम प्लास्टिक विच कैन गेट सॉफ्ट ओनली वंस। पहली बार में ही वो प्लास्टिक सॉफ्ट होगा एंड जबकि जब वो हीट होगा और उसके बाद उसे आप जिस भी शेप में ढाल देंगे उसके बाद वो दोबारा उस शेप को सॉफ्ट होकर दोबारा रीगेन नहीं करता है। व्हेन सच प्लास्टिक आर हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकम सॉफ्ट और मेल्टेड एंड कैन बी मोल्डेड टू मेक एन आर्टिकल ऑफ देयर डिजायर्ड शेप ऑन कूलिंग।
जब ठंडा हो जाएगा दिस आर्टिकल बिकम वेरी हार्ड एंड रिजिड दिस काइंड ऑफ अ प्लास्टिक डज नॉट अगेन बिकम सो सॉफ्ट एट ऑल अ प्लास्टिक विच वन सेट एंड डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम ये कौन से प्लास्टिक कहलाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो हम ये कह सकते हैं एन आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप परमानेंटली इवन ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर ऑल्सो नोन एज थर्मोसेट्स इनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्ड एंड रिजिड थर्मोसेटिक प्लास्टिक आर नॉट फ्लेक्सीबल ड्यू टू दिस थर्मोसेटिक प्लास्टिक कैन नॉट बेंड अगर आप जो आर्टिकल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ उसे फोर्सफुली बेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल लाइक फ्राई पैन प्रेशर कुकर एक्सेट्रा प्लेट कप फ्लोर टाइल इलेक्ट्रिक फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विचेज प्लग सॉकेट एक्सेट्रा बॉल पॉइंट पैन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा ये सब किसके बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव एज वी ऑल नो मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड इवन एक्सपोज इन एयर एंड वाटर दिस इज बिकॉज मेटल आर केमिकली रिएक्टिव प्लास्टिक जो होता है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है इसलिए प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर या एयर से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन सेकेंड है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक जो है वो किसी भी तरह का हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सो दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स प्लास्टिक बींग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज वैन हीट इज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम रीचिंग आर हैंड इसका एग्जाम्पल क्या है कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन होल्ड द कुकिंग हॉट कुकिंग यूटेंसिल्स वेरी सेफली ड्यूरिंग कुकिंग प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इस वजह से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स दे आर यूज एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स थर्ड प्लास्टिक कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स सिंस प्लास्टिक कैन बी इजिली मोल्डेड दे कैन यूज फॉर मेकिंग वेर लार्ज वैरायटीज ऑफ आर्टिकल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज सच एज बकेट मग फर्नीचर बैग शीट स्लीपर्स इलेक्ट्रिक फिटिंग टॉयज टूथब्रश एक्सेट्रा फोर्थ प्लास्टिक आर क्वाइट चीप एंड ईजिली मेड प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी मेड मच मोर ईजिली देन मेटल फिफ्थ है प्लास्टिक इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल